हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं गई थी आज मार्केट। आज मैंने ना सब्जियां लेकर आई है ना, मसाला वगैरह लेकर आया, और ये छोटे छोटे आलू मेरे को दिख गए थे तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। और वैसे भी मेरे को तीखे आलू बहुत पसंद है, मेरी बेटी माशाल्लाह खाती है और उसके डैडी को भी बहुत पसंद है तीखे आलू, तो बस इसके लिए मैंने ये लिए हैं। और 30 रुपये का एक गट्टा मुझे कुछ मिला हुआ है वो आलू का। और यहाँ पर धनिया देखे 20 रुपये की कितनी सारी मुझे मिल गई, और सेपू की भाजी पालक की भाजी 10-10 रुपये में मिली, और बाकी का तो मैंने हरा मसाला लिया ही। अब उसकी क्या प्राइस बताऊँ हफ्ते भर का हरा मसाला लेती हूँ मैं, कभी कभार देखे 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। एनीवेज यहाँ पर जो है ना, मैं अच्छे से हरा मसाला सब अच्छे से साफ़ करके जो है ना टिश्यू पेपर में रख रही हूँ। और ये एक्स्ट्रा हरा धनिया है जो मैंने बैग में पैक करके रखा है, इसका मैं कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। कड़ी पत्ता भी मैं ऐसे ही रखती हूँ टिश्यू पेपर में, इससे क्या है ना कि लॉन्ग टाइम जो है कड़ी पत्ता अच्छे से चलता है। हाँ, इतना है कि जो कंटेनर होते हैं हरे मसाले की, ये ना एयर टाइट होनी चाहिए, इसमें ना तो हवा जाना चाहिए और ना तो इसमें पानी जाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेनर होगी फ्रीज में। हफ्ता भर का मेरा ये सारा हरा मसाला होता है, जैसा कि मैंने बोला कभी कभार 4 दिन में ही ख़त्म होता है। क्यों ख़त्म होगा? जिस दिन ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना होता है ना, तो उस दिन फिर 4 दिन में ख़त्म हो जाता है हरा मसाला। खैर, यहाँ पर ये आलू है जो मैं अभी दिखा रही थी आपको, और अभी जो है ना मैं पालक कट करके ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बनानी है पालक दाल। पालक भी बहुत सस्ती मिली है, आसपास के ठेलों से लेते हैं ना सब्ज़ी वगैरह, जो हमारे घर के आसपास ऐसी गाड़ियाँ लगी होती है तो वहाँ पर क्या ना कि सब्ज़ियाँ थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन प्रॉपर मार्केट जाके ले ना तो 2 पैसे से जो है ना हमें सब्ज़ियाँ तरकारियाँ जो भी हो बहुत सस्ती मिलती है। जैसे कि मैं आज गई थी मार्केट, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, शौक चढ़ गया था कि मैं मार्केट जाऊँ, बाज़ार घूम के आऊँ ज़रा, लेकिन धूप इतनी थी ना कि मैं उल्टे पाँव भाग कर आ गई। मेरे भाई धूप बहुत है, मेरे को ना धूप में शॉपिंग करनी नहीं होती है और चीज़ें लेने भी नहीं समझती है, लेकिन फिर भी आज हो गया था तो मैं बोले कि चले चलते हैं करके, तो फिर भी मैंने 2-3 सब्जियां ले ली और वही हरा मसाला ले लिया। अच्छा, यहाँ पर सेपू की भाजी पालक की भाजी मैंने कट कर ली है। मैं पालक सेपू मिक्स बनाने वाली हूँ, उसकी भाजी बनाऊँगी, और तुअर की दाल में जो है ना पालक ऐड करके बनाऊँगी। तो सबसे पहला मैंने तुअर दाल निकाल ली और इसको जो है ना बॉयल होने के लिए रखते हैं, लेकिन उससे पहले दाल को वॉश करना बहुत ज़रूरी है 2-3 पानी से। और यहाँ पर जो है ना मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पालक, पालक भी जो है ना दाल के साथ ही ऐड कर दूँगी, लेकिन उससे पहला मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और उसके बाद मैं पालक ऐड करूँगी। लेकिन उससे पहला मैं पालक को ज़रा अच्छे से धो दूँ। वैसे पालक जो है ना साफ ही एकदम फ्रेश फ्रेश जो है ना मार्केट में आई हुई थी, और काफ़ी रश थी मार्केट में, क्योंकि सुबह का टाइम था, शेतकरी जो होते हैं ना वो आए होते हैं, मतलब कि वो लोग का चलता रहता ना लेन देन, और उनके बीच में मैं थी। दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लें, लेकिन क्या करूँगी इतनी सारी चीज़ें लेके, मैं एक तो खाना बनाने में आएंगी नहीं और ख़राब कभी हो गई तो। खैर, इसमें मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और पालक तो डाल ही दी थी, और इसको मिक्स करने के बाद इसको जो है ना बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया दाल को। यहाँ पर भाजी की तैयारी करी थी, हरी मिर्ची लहसुन जो है ना चॉप कर लेनी है मुझे। पालक सेपू की भाजी बनाऊंगी और उसमें ना मूंग दाल ऐड करने वाली हूँ। तो ये मूंग दाल देखे मैंने कल भिगा के रखी थी, बहुत ज़्यादा थी, कचौरी बना ली थी, अब इतनी दाल बची हुई है तो मैं क्या करूँगी, भाजी के अंदर जो है ना एक मुट्ठी भर के मूंग दाल डालने वाली हूँ, और बची हुई मूंग दाल मैंने फिर से फ्रीज में रख दी है। मेरे को ना उससे अच्छी रेसिपी बनानी है, जैसा कि मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपको बोला था, इंशाल्लाह अब आने वाले व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैंने दाल जो है फ्रीज में रख दी दोबारा, और यहाँ पर जो है ना तेल में लहसुन हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लिया, और इसमें मैं अभी भाजी ऐड कर रही हूँ और साथ में दाल भी ऐड कर रही हूँ। भीगी हुई मूंग की दाल जो है ना ये भाजी में बहुत अच्छी लगती है, और नमक भी डाला। नमक तो वैसे देखिए कोई भी किस्म की भाजी बनाए तो कम ही डाले, अगर खारी भाजी हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आता खाने को, तो मैंने कम ही मसाला सॉरी नमक डाला है। साथ में चावल भी चढ़ा लिए मैंने, और यहाँ पर जो है ना दाल को तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना सारा सब कुछ निकाल के रख दिया था, लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और इमली भी निकाली है मैंने, लाल मिर्ची, नमक, ये सब निकाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है दाल का प्रेशर निकाल लेते हैं, और दाल जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, घोटने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी दाल जो है बहुत अच्छे से मैश हो गई है। और यहाँ पर जो है तड़का भी मैं तैयार कर रही हूँ, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, नहीं तो फिर क्या होगा कि लाल मिर्ची जो है वो जल जाएगी, फिर कलर अच्छा नहीं आएगा दाल में। अच्छा, मैंने इस टाइम पे जो है ना इमली डाली और ये तड़का इस पर डाल दिया,
अभी क्या करेंगे कि तड़के को दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से एक से दो बॉईल ले लेंगे दाल को, क्योंकि इमली मैंने डाली है तो इमली का जो खटास होती है वो दाल में आनी चाहिए, तो इसके लिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भाजी जो है पक चुकी थी, तो मैं इसको जो है ना एक छोटी सी प्लेट में खाली करके ले रही हूँ। तो ये भाजी हमारी तैयार है, और यहाँ पर देखिए दाल को बहुत अच्छे से पकाना है, एकदम औटना है। औटना औटाना मतलब समझता है, या फिर बोलो कि आप समझे, कहने का मतलब था मेरा कि दाल को जो है अच्छे से पकाना है, क्योंकि इमली डाली है ना मैंने, और फिर बस ये दाल पक चुकी थी तो फ्लेम ऑफ़ कर दिया, और अभी जो है ना मैं खाना सर्व कर रही हूँ। दाल बनी हुई है पालक दाल, सेपू की भाजी और दाल पालक। सादा सिंपल खाना है, लेकिन ये खाना जो है ना बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैंने कुकर से दाल जो है खाली करके ले ली, यहाँ पर जो है मैं तीखे आलू बना रही हूँ। अब आलू मेरी बेटी ने देखे तो मेरे पीछे कब से लगी, मम्मी आलू बनाऊँ आलू बनाऊँ। मैं बोली नहीं, अभी मैं थक चुकी हूँ, बाद में बनाऊँगी। तो ये शाम का टाइम था, तो मैंने आलू से अच्छी मिट्टी निकाली है और उसको जो है ना प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने शॉपिंग की थी 2-3 दिन पहला, तो बस बतानी रह गई थी आपको, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना सर्कल वाली गोल ऐसी कारपेट ली थी, इस पर क्या ना कि हम कोई भी अच्छी सी डिश बनाए तो इस पर रख सकते हैं और आप सबके सामने जो है ना शो कर सकते, ताकि जो रेसिपी बनी हुई है वो अच्छी सी दिखे, लुक भी अच्छी आए। तो बस इसीलिए मैंने लिया है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली, ये मुझे 150 में कुछ मिली हुई है। तो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी, तो फाइनली मैंने ले लिया। और इसके अलावा मैंने ये बच्चों की फेस टॉवल ली है, स्कूल जाते हैं ना बच्चे दोनों, तो उनकी जो पहले वाली थी टॉवल फेस साफ़ करने वाली, तो क्या ना ख़राब हो गई, तो फिर मैंने ये वाली लिया और काफ़ी अच्छी लगी, मतलब क्वालिटी भी बेस्ट है और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने मिनी मिनी प्लांट्स लिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे ये ना, मैं अपनी किचन की विंडो पे रखने वाली हूँ, यानी कि जहाँ मेरा गैस होता है उसके सामने रखूँगी। और ये मेरी बेटी के लिए मैंने क्लिप लिया है, एक कलर वाले लिए, एक विदाउट कलर वाले लिए। ब्लैक वाला जो है ना वो उसको स्कूल लगा के जाना होता है, कलर वाला तो डेली लगा सकती है घर में भी। अच्छा, ये मिनी कैंडल लिया मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरे पास है ना बहुत पहला थी, बड़ी थी लेकिन ये मेरे को अच्छी लगी तो फिर मैंने ले ली। और ये मेरे बच्चे लोग के लिए मैंने प्लेट्स लिए, इस पर क्या ना कि सॉस रख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ रख सकते हैं, बच्चे लोग को नगेट्स वगैरह, केटलेस वगैरह ये सब दे सकते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए लिया है, सारा के लिए, जोहान के लिए, दोनों के लिए कलर अलग लिया है और सेम प्राइज़ में मिली है। 100 रुपीज़ में एक प्लेट है, यानी कि 200 में मुझे दो मिली, और दोनों के लिए मैंने लिया ताकि दोनों भी रोए नहीं। और ये थी कढ़ाई, मेरी फेवरेट कढ़ाई है, काफ़ी मैंने शॉपें ढूंढ ली, देख ली कि भाई मेरे को बड़ी कढ़ाई चाहिए, बड़ी चाहिए, लेकिन कहीं भी जो है ना मुझे बड़ी कढ़ाई नहीं मिली। फाइनली फिर एक जगह मुझे मिली, मैं तो ऐसी सोच कर भी नहीं गई थी कि मैं कढ़ाई लूँगी करके, लेकिन या फिर बोलूँ कि लेने जाऊँगी, लेकिन ये मेरे को ऐसी अचानक से दिख गई ना, क्या बताओ, इतनी खुश हो गई, मेरा चेहरा देखने जैसा था, वो चेहरा इसके डैडी ही देखे थे, इतनी खुशी थी मेरे चेहरे पर ना ये कढ़ाई को लेने के लिए। ऑनलाइन भी मैंने देखा, उस पर भी साइज़ बड़ी बता रही थी, बट क्या हुआ पता है क्या, दिल नहीं हुआ, मैंने कई बार ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया, मैं नहीं कहीं छोटी ना आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभार ना ऐसे ही होता है, जैसा देखते हैं वैसे चीज़ होती नहीं है, या तो फिर कभी कभार जैसे देखे वैसी आ भी जाती है, हर टाइम तो ऐसा नहीं होता ना, तो बस इसीलिए कभी मैंने ऑर्डर नहीं की कढ़ाई को, और फिर फाइनली मेरे को शॉप में दिख गई तो फिर मैंने ले ली। अच्छा, यहाँ पर वही जो मैंने प्लांट्स लिए थे, कैंडल ली थी, ये ना मैं यहाँ पर लगा रही थी, और ये कैंडल्स पे ना स्टिकर लगा हुआ था तो निकल नहीं रहा था, 5 से 6 मिनट लग गया इतना स्टिकर को खोलने के लिए, और फिर यहाँ पर देखे मैंने रख दिया, कितने प्यारे लग रहे, क्यूट क्यूट है। और ये एक बड़ा सा फ्लावर लिया था मैंने ऐसे ही, मतलब इसको पॉट वगैरह नहीं था, यहाँ पर मैं अपना टिश्यूज रखती थी, तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं यहाँ लगा कर देखूँ कैसा लग रहा है करके, तो अच्छा लग रहा था। और बस आलू बॉईल हो गई थी तो मैं इसके जो है ना यहाँ पर कवर निकाल रही थी आलू के, और कुछ देर बाद जो है ना मेरी बेटी भी आके मेरी हेल्प करेंगी। अभी इतने छोटे छोटे आलू हैं, इसके जो छिलके होते हैं ना इसको निकालने बहुत टाइम लगता है, और मैं खड़े खड़े ही जो है ना ये सारे आलू के कवर निकाल रही थी, छिलके निकाल रही थी, तो फिर मेरी बेटी आई थी, बोली लाओ मम्मी मैं हेल्प करती तुम्हारी। और मेरी बेटी के हाथ देखो कैसे हो गए, पानी में ज़्यादा देर तक हाथ डालने की आदत नहीं है, और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी तुम्हारे नहीं हुए मेरे हो गए, तो मैंने, मेरे को आदत है, देखो आदत नहीं है, इसके लिए तेरे हाथ जो है ना ऐसे भीगे भीगे से लग रहे हैं। तो चलिए आलू बना लेते, तीखे आलू। अच्छा, तीखे आलू कैसे बनाते हैं वो तो मैंने कई बार आपसे शेयर की हुई हूँ इसकी रेसिपी,
लेकिन मैं आज फिर शेयर करूँगी, ये मेरी नए व्यूवर जो होते हैं ना, नए व्यूवर्स उनके लिए रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, अजवाइन ली थी बहुत सारी, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी थी, ठीक है। और सारे मसालों को जो ना एक साथ अच्छे से फ्राई करके ले लेना है, याद रहे लाल मिर्ची जलानी नहीं है, बस हाफ़ कुक कर लेना है, यानी कि हाफ़ मसाला अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद फ़ौरन जो है ना ये आलू डाल देने हैं, और क्या, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि जब ये मसाला जब अच्छे से कोट हो जाता है ना आलू पे, तो फिर ये आलू जो है ना सूख जाते हैं, और ये आलू जो है ना बनने के बाद बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये बने हैं लेकिन ये एक भी नहीं बचेगा, इतने मज़े के लगते हैं, मेरे घर में इतने पसंद करते हैं मेरे हाथ के आलू बने हुए। तो बस ये आलू बनके तैयार है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, और मेरी बेटी मेरे पास ही खड़ी थी, देख रही थी कि मम्मी कब बनेंगे करके। इसके साथ हम लोग जो ना अक्सर जो नली आती है ना येलो वाली, वो खाते, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने फ्राई नहीं की। और आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छे से कोट हुआ है, और ये दिखने को भी अच्छे लग रहे हैं, और खाने में बहुत मज़े के बने थे। आई होप कि मेरा व्लॉग आपने फुल वॉच किया होगा। फिर मिलेंगे।